हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग बिट्स। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सेक्शन, और आज हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक रिलेशंस। क्या होते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस? सिमेट्रिक रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। कोई सेट ए है, उसमें क्या है, रिलेशन है। सेट टू बी सिमेट्रिक, उसे हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे, इफ़ एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, देन y related to x, for all x comma y belongs to a, that is ordered pair xy। अगर कोई ordered pair है xy जो कि belong करता है relation से, तो y comma x भी belong करेगा relation से, for all x comma y belongs to a। Simply अगर मैं ये बोलूँ कि अगर कोई ordered pair है 1, 2, तो 2, 1 भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, 2, 1 भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है तो। ठीक है, अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है तो। अब चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, सपोज़ करिए एक सेट है ए, ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, ये तीन एलिमेंट हैं आपके सेट में। ठीक है, अब इससे कोई रिलेशन बनाएंगे हम लोग। अगर मान लीजिए ए क्रॉस ए आपका फुल कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा, वो भी तो एक रिलेशन है। अगर हम वो बनाते हैं, सपोज़ करिए, तो क्या बनेगा, ए क्रॉस ए अगर मैं इसका निकाल लूँ तो क्या बनेगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, और 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये हमारा बनेगा ए क्रॉस ए। ठीक, इन्हीं के बनेंगे क्या रिलेशंस, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। ठीक है, अब एक रिलेशन है फाई, यानी कि एम्प्टी, ये एक एक्सेप्शन है, अब ये याद रखिएगा। अगर कोई फाई है, यानी कि एम्प्टी रिलेशन है, अगर एम्प्टी रिलेशन है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। ठीक है, वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ए क्रॉस ए वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, फाई एलिमेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है, ई रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फाइव में डायगोनल्स एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, डायगोनल्स एलिमेंट नहीं आते हैं। डायगोनल एलिमेंट किसे कहते हैं, कोई मैट्रिक्स है उसके ये सारे एलिमेंट जो होते हैं, अगर इनके तीन सारे डायगोनल एलिमेंट अगर रिलेशन में पाए जाएं तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर एक एक पाया जाता है, अगर एक पाया जा रहा है, हाँ पूरा नहीं पाया जा रहा है, एक पाया जा रहा है, तो उसे नॉट रिफ्लेक्सिव कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, या तो पूरा हो या एक भी ना हो, एक भी नहीं होगा तो उसे कहेंगे हम लोग नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, एक भी नहीं आया, अगर इधर इधर नॉन डायगोनल एलिमेंट आए तो उसे क्या कहेंगे, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ई रिफ्लेक्सिव एलिमेंट, ई रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और अगर डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे आ गए तो वैसे रिलेशन को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अच्छा रिलेशन टू क्या है, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्या निकाले हम लोग, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 3 तक। ठीक है, ऐसे जो रिलेशन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो रिलेशन है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, जी बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। ऐसा कैसे है रिफ्लेक्सिव, अब देखिए क्या है डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव होने की, एक्स रिलेटेड टू वाई, देन वाई इज़ रिलेटेड टू एक्स। अब एक एक देखिए एलिमेंट के साथ, ये हमारा वन यहाँ पे क्या है, एक्स है, और ये क्या है, वाई है। एक्स रिलेटेड टू वाई, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि y इज़ रिलेटेड टू x, क्यों, क्योंकि 1, 1 ही है, 1, 1 ही है, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, अगर मैं इसी का लिख दूँ 1, 1, तो हम एक ही बार ना इसे लिख पाएंगे, क्योंकि सेट रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स को, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1, 1 होने की वजह से ये क्या है, सिमेट्री की जो प्रॉपर्टी है उसे क्या करता है, वैलिड है इसके ऊपर। अच्छा अब देखिए 1, 2, अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। देखिए कहाँ है, 2, 1 है, ऑफ कोर्स है, तो ये भी सही है, ये भी सही है।
वन कॉमा थ्री, अगर 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। देखिए कहाँ है, ये भी है 3,1 भी है। अब यहाँ आते हैं, 2,1 था तो 1,2 होना चाहिए, ये भी है, ठीक है। 2,2 है तो ये भी 2,2, ये एक्स और वाई हो गया तो वाई वाई कॉमा एक्स भी हो गया, ये भी सही है। 2,3 है, 3,2 होना चाहिए, देखिए यहाँ है कहीं है, बिल्कुल है, 3,2 भी है। हाँ 3,1 है, 3,1 है तो 1,3 है, देखिए यहाँ पे भी है 1,3। 3,3 है, 3,3 और 3,3 दोनों एक ही होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। क्या है, रिफ्लेक्सिव, अरे रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। यानी कि ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्या होगा इस केस में, इस सेट ए के केस में, ए क्रॉस ए को क्या हम लोग बोलेंगे, हमारा रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव क्यों है ये, क्योंकि उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में अवेलेबल हैं, ठीक है। सिमेट्रिक क्यों है, सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि अगर 1 और 2 रिलेटेड है तो 2 और 1 भी रिलेटेड है। हाँ अगर ये रिलेशन में है तो इसका इनवर्स यानी कि 2,1 भी होना चाहिए, ठीक। अगर 1,3 है रिलेशन में तो इसका इनवर्स भी यानी कि 3,1 भी होना चाहिए। अगर ये है 2,1 तो 1,2 भी होना चाहिए, ऐसे सभी एलिमेंट के साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं है, अगर ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और ये दिया है 2,1 है और 1,2 नहीं है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, इरिफ्लेक्सिव है, नहीं इरिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि सारे डायगोनल एलिमेंट 1,1, 2,2, 3,3 अवेलेबल हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो इरिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वो इरिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब रिलेशन 3, 1,1, 2,1, 2,2, 3,3 क्या है, सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक कैसे है, 1,1, 1,1 एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू एक्स, 2,2 एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू एक्स, ठीक है। 3,3 एक्स इज रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू एक्स, ठीक है। और ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्यों, क्योंकि ये डायगोनल, सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, अगर मैं इसका ए क्रॉस ए करूं तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसमें अवेलेबल हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये इरिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन 4, 1,2, अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, ओके। 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, ओके। तो मैं ऐसे रिलेशन को कह सकता हूं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक, और रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे डायगोनल एलिमेंट्स इस रिलेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है, 1,1, 2,2, 3,3 अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक भी एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है, किसका, रिफ्लेक्सिव का, तो अगर एक भी एलिमेंट नहीं है रिफ्लेक्सिव का, तो एब्सोल्युटली हम इसे बोल सकते हैं ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर यहाँ पे 1,1 होता, अगर ये इस रिलेशन में 1,1 होता, 2,2, 2,2, 3,3 नहीं होता, तो मैं ये बोल सकता था कि ना ही ये इरिफ्लेक्सिव है और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, आया समझ में, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट किसका है, 1,1 रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पार्शियली शो कर रहा है, तो मैं उसको क्या कहूँगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर वैसा होता कि अगर यहाँ पे 1,1 होता और 2,2, 3,3 नहीं होता, तो मैं ऐसे केस में क्या कहता, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव कहते हैं हम इसे। तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, और इरिफ्लेक्सिव, और ये इरिफ्लेक्सिव है, क्यों, क्योंकि एक भी डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक। और रिलेशन 5 क्या है, रिलेशन फाइव हमारा 1,2, 1,3, 2,3। अब देखिए 1,2 है, 2,1 है, नहीं है। अब 1,2 है, 2,1 नहीं है, यहीं से हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सब चेक करने की जरूरत नहीं है। 1,2, 2,1 है, नहीं है रिलेशन में, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, देखिए कोई भी डायगोनल एलिमेंट है, 1,1, 2,2, 3,3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, देखिए एक भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है डायगोनल एलिमेंट का, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑफकोर्स ये इरिफ्लेक्सिव है। रिलेशन 6, 1,2, 1,2, 2,2, 2,3। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैं जिस केस की बात कर रहा था, 1,2 है, ओके, 2,1 है, नहीं है, नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ओके। रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्या सारे एलिमेंट डायगोनल्स के अवेलेबल हैं, 1,1, 2,2, 3,3 नहीं, 1,1, 2,2,
थ्री थ्री नहीं, सिर्फ टू टू है। अब टू टू से है तो पूरा पूरे तो अवेलेबल नहीं है, ये पार्शियली रिफ्लेक्सिव है, तो मैं बोल सकता हूँ ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, क्या ये ई रिफ्लेक्सिव है? ई रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? एक भी एलिमेंट, एक भी डायगोनल एलिमेंट रिलेशन में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो ये तो अवेलेबल है, 2,2 तो अवेलेबल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ई रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है। रिलेशन सेवन, रिलेशन सेवन क्या है? रिलेशन सेवन इक्वल्स टू 1,2, 2,1, 1,2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखिए, सारे एलिमेंट हैं क्या इसमें रिफ्लेक्सिव? सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सारे डायगोनल एलिमेंट हैं, 1,1, 2,2, 3,3 अवेलेबल हैं, नहीं अवेलेबल हैं, तो भाई ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्री है 1,2, 1,2 है तो 2,1 है, ओके, सारे चेक करना पड़ेगा। सिर्फ एक अगर मिल गया, एक अगर मिल गया कि नहीं है, तो पक्का हम बोल सकते हैं कि नहीं है सिमेट्री। अगर सिमेट्री एक मिल गया है तो दूसरा मुझे चेक करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक भी नहीं मिला तो नहीं है, ठीक है। अगर सबका सब मिले जा रहा है, मिलते जा रहा है, एक भी नहीं मिला, किसी एक में नहीं मिला, तो वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। 1,2 मिला, 2,1 मिला, ओके, फर्दर चेक करिए। 1,3 मिला, 3,1 भी होना चाहिए रिलेशन में, नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये सिमेट्री नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। क्या ये ई रिफ्लेक्सिव है? क्या ये ई रिफ्लेक्सिव है? ऑफकोर्स ये ई रिफ्लेक्सिव है क्योंकि एक भी डायगोनल एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा गया है स्मॉलेस्ट रिलेशन विच इज़ सिमेट्रिक रिलेशन, तो आप क्या करेंगे? फाइ, उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि खाली है ना, तो खाली की कार्डिनलिटी क्या होगी? ज़ीरो। अच्छा, लार्जेस्ट पूछा जाए तो क्या होगी? लार्जेस्ट पूछा जाए तो क्या होगी? जो भी आपको सेट दिया गया है उसकी कार्डिनलिटी का स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर का क्या मतलब है? ए क्रॉस ए, जो भी कार्डिनलिटी आएगी वही इसका लार्जेस्ट होगा, ठीक है। लार्जेस्ट रिलेशन विच इज़ सिमेट्रिक रिलेशन इज़ ए क्रॉस ए। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस निकालते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये दूसरी चीज़ के लिए है, अभी इसे मत देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। सपोज करिए आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी आपको दिया गया है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि ए क्रॉस ए निकालूँ, तो यानी कि ए क्रॉस ए का क्या मतलब है? यानी कि एन स्क्वायर, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए ए ए बी ए सी बी ए बी 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 सी सी ए सी बी सी कॉमा सी सी कॉमा सी। अब इस छोटा सा जो सेट है, मैं इसका अगर निकालने की कोशिश करूँ कि टोटल सिमेट्रिक रिलेशंस कितने बनेंगे इसमें, तो देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए रिलेशन में। अगर रिलेशन में ए कॉमा बी है, ऑर्डर्ड पेयर अगर बिलोंग करता है रिलेशन में, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग करता है तो सी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए, सी कॉमा बी बिलोंग करता है तो बी कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए, हमारा रिलेशन ये कहता है, ठीक है। अब उसमें डायगोनल एलिमेंट्स हों या ना हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये चीज़ है, अगर ए कॉमा बी है तो ये भी होना चाहिए। चलिए अब नॉर्मली अगर मैं आपसे बोलूँ निकालने को कहूँ कि आप इस तरीके से देखिए, अगर मैं लिख दूँ अभी ये मैट्रिक्स के फॉर्म में मैं लिखा हुआ हूँ, मैं इसे सीधा थोड़ा सेपरेट फॉर्म में लिख देता हूँ। सपोज करिए कि ए कॉमा ए दिया है, ठीक है, मैं डायगोनल्स को एक साथ लिख लेता हूँ ताकि मैं आराम से डेराइव कर सकूँ इसे। ए कॉमा ए, बी कॉमा ए, सी कॉमा सी, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ठीक है, ये क्या हो गए? आपके डायगोनल पेयर्स हो गए। अच्छा, इसी में क्या है, अगर ए कॉमा ए बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। चलिए उसे लिख लेते हैं, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ए कॉमा सी है तो सी कॉमा ए भी होना चाहिए, चलिए वो भी लिख लेते हैं, ए कॉमा सी है तो सी कॉमा ए भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, अगर बी कॉमा सी है तो सी कॉमा बी भी होना चाहिए, अगर बी कॉमा सी है तो सी कॉमा बी भी होना चाहिए। अब गिनिए कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ,
9 हो गया, ए क्रॉस ए भी हो गया, ठीक है, सभी आ गए एलिमेंट। अब आप देखिए कि ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये एलिमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। अगर ए सी प्रेजेंट है तो सी ए भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि भाई सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर ये प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब ए कॉमा ए, ये यहाँ पे पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्यों? अगर ये ए एलिमेंट पहला हमारा एक्स एलिमेंट और वाई एलिमेंट, ये ए कॉमा ए है, तो मैं तो नॉर्मली ये भी तो बोल सकता हूँ कि वाई कॉमा ए भी एक्स भी है, रिलेटेड है, तो यहाँ पे कोई पेयर बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पे कोई पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पे कोई पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अगर ये सारे एलिमेंट होते हैं और अगर ये भी इंक्लूड हो या ना हो, अगर इंक्लूड होता है तब भी ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स तो हैं, और अगर नहीं होता है तब भी ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा क्योंकि ये सारे तो सिमेट्रिक हैं। अच्छा, ये इंक्लूड हो या ना हो तब भी ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा क्योंकि ये पेयर बना के सिमेट्रिक रिलेशन बना रहे हैं, ये बना के सिमेट्रिक रिलेशन बना रहे हैं, ये बना के सिमेट्रिक रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये हो या ना हो, हाँ, यानी कि दो पॉसिबिलिटी है, ये रहे या ना रहे, ठीक है, ये रहे या ना रहे दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ये रहे या ना रहे दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ये रहे या ना रहे दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अगर अगर ये है और ये नहीं है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेयर्स में, पेयर में क्या कहते हैं, रिलेशन ज़रूरी है। अगर ए कॉमा बी हो रहा है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, दो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं सिमेट्रिक रिलेशन को शो करने के लिए। यानी कि क्या कि अगर दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स को मिला करके हम बोल रहे हैं क्या कि ये क्या है, सिमेट्री रिलेशन है, ये क्या है, सिमेट्री रिलेशन है। यानी कि क्या ये हो, ये टोटल पेयर, ये पूरा पेयर, यानी कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर होने हों या तो ना हों, होंगे तभी रिलेशन होगा, नहीं होंगे तो भी रिलेशन होगा, सिमेट्री रिलेशन। यानी कि यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी बन रही है इन पेयर्स में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी इसका मतलब बनेगी, या तो ये दोनों पेयर अवेलेबल हों रिलेशन में, या तो दोनों ना रिलेशन में अवेलेबल हों, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कि दोनों अवेलेबल हों या ना हों। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए कि टू 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 टू, इससे क्या मिला मुझे, 2 to the power 6 सिमेट्रिक रिलेशंस मुझे मिले, 2 to the power 6 हमें क्या मिले, सिमेट्रिक रिलेशंस। अब इसी को मैं अगर जनरलाइज्ड करूं, इसी को क्या करूं मैं, जनरलाइज करूं, सपोज़ करिए कि आपके पास n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 a comma 1 1 a comma 1 2 a comma 1 3 dot 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 a 1 n dot 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 a cross n cross n, ठीक है, n cross n, इस तरीके का कुछ है, और आप बना रहे हैं रिलेशन, रिलेशन आपको निकालना है अब कि कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे, कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे। तो अब देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे पता चलेंगे, कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनाएंगे, हम जानते हैं जितना बड़ा हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, यानी कि n क्रॉस n, n एलिमेंट्स इधर से, n एलिमेंट इधर से, तो डायगोनल्स में कितने एलिमेंट होंगे, n, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल जो आएगा ये अवेलेबल हो या ना हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे, 3 क्रॉस 3 की एलिमेंट मैट्रिक्स बन रही थी, तो डायगोनल एलिमेंट कितने बन रहे थे, 3, या हो या ना हो, हो या ना हो, यानी कि 2 to the power कितना बना, 3 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 1 2 3, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डायगोनल एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे, बना देंगे 2 to the power n, जितना बड़ा मैट्रिक्स होगा यहाँ पे उतना बड़ा n, यहाँ पे वो नंबर लिखा जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का था तो 3 क्रॉस 3 का बन रहा था हमारा मैट्रिक्स, n की वैल्यू क्या थी, 3, तो डायगोनल एलिमेंट कितने मिल जाएंगे मुझको यहाँ पे, 1 2 3, क्योंकि 3 की मैट्रिक्स थी, 3 क्रॉस 3 की, तो मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 3, तो मैं जनरलाइज फॉर्म में अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी तो डायगोनल एलिमेंट्स हमको कितने देंगे, 2 to the power n, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, अब देखिए ये क्या है,
ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, सी कॉमा ए कॉमा सी, सी कॉमा ए, बी कॉमा सी, सी कॉमा बी, ये सब क्या है? ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये 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 ये, ठीक है। इनको कैसे निकालेंगे, इनको कैसे निकालेंगे? अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके होंगे एन क्रॉस एन, यानी कि एन स्क्वायर। टोटल क्या है, एन स्क्वायर। अब इसमें से अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स अगर निकाल दूं तो क्या बचेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एन स्क्वायर माइनस एन, ये हमको क्या देंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने देंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स टोटल कितने हैं, टोटल है नाइन। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे, तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर माइनस 3 कितना होगा, 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6। यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, 6, गिनिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आ गए। अब इसमें भी क्या है, दो दो का पेयर बन रहा है, दोनों का पेयर बन रहा है, तो पेयर वाइज कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 एक पेयर, 2 दो पेयर, 3 तीन पेयर हो गए। तो क्या हो रहा है, जितने भी आ रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल, उनको दो दो का पेयर बनाया जाए। दो दो का पेयर बनाओगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर, एन जितने भी हैं नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, दो दो का पेयर बना रहे हैं, तो दो से डिवाइड कर दें तो मुझे पता चल जाएगा कितने पेयर बन रहे हैं। अगर मैं दो से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6। अगर 6 से मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 3 कितने बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। अब ये रहें या ना रहें, दो का पेयर बन रहा है, अब ये रहे या ना रहे तभी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ये रहे या ना रहे तभी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। यानी कि ये हमको क्या देगा, नंबर ऑफ पेयर्स दे देगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के। अब इसी में मैं क्या करूँगा, 2 के पावर n स्क्वायर n माइनस n अपॉन 2, ये हमें क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का ये देगा, यानी कि इतना, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये हमको देगा ये, ठीक है। अब इन सब का मल्टीप्लाई मैं कर लूँ, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ये हमको क्या देगा, ये मुझको देगा टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, क्या देगा, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ठीक है। अब चाहें तो इसका कॉमन ये भी निकाल सकते हैं, अब चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 n प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ठीक है। अब इससे निकाल लीजिए, अब ये मैं यहाँ कर देता हूँ, n 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, यहाँ क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, इसका क्या हो जाएगा, n n प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 2n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, ये होगा आपका टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्रांजिटिव रिलेशंस में।